बच्चों शीट वन का क्वेश्चन नंबर वन आंसर तुम्हें शायद पता है, नहीं पता है तो इट इज अ फैक्ट टू लर्न, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है गाइस, आई थिंक यू नो दैट। पता ही नहीं पता है गाइस, कम ऑन, ये तुम्हारा नाइन्थ का पार्ट है। सेकंड पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में बाई चांस किसी बच्चे को लग रहा है कि सर ऑप्शन सी होना चाहिए, नहीं, इट विल बी ए, फैक्ट टू लर्न। ठीक है ना गाइस, नथिंग मोर नथिंग लेस। क्वेश्चन नंबर टू पे आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में कितने बच्चों को डाउट आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि तुम्हें एटॉमिक मास ऑफ कॉपर नहीं पता, आई डोंट थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी चाहिए। गाइस किसी को दिक्कत आई है तो बोलो बोलो, आई विल सॉल्व, या मैं एक काम करता हूं एक्सप्रेशन लिख देता हूं वो भी चल जाएगा। हाँ है ना बच्चों, गाइस व्हाट डू यू से? सर इजी, इजी था ना। दिस वॉज द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास will give you moles into any will give us number of atoms. हाँ या ना? Yes sir. थर्ड पे आते हैं, थर्ड में दिक्कत आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए उसका रीजन भी बताया था हम guys. उसने पूछा है we have to arrange them in order of increasing mass. Guys तुम्हें दिक्कत आनी चाहिए option C और D में, क्योंकि C and D is kind of, मतलब वो statement ही खराब है समझने के हिसाब से। ठीक है ना, जो सी और डी का मेरा मतलब है, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। पहले आते हैं फर्स्ट पे, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा। गाइस पहली चीज, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो, या तो मैं पता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है बच्चों O2 का, बताओ मुझे, 32 AMU। हाँ है ना? Yes, बोलो गाइस yes. एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 AMU। अब गाइस जो थर्ड और फोर्थ दे रखे हैं उसमें हमें मास ग्राम में दे रखा है, सो डोंट यू थिंक इट विल बी कन्वीनियंट अगर हम एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। हाँ या ना? सो दिस विल बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बच्चों बोलो, हेलो गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 AMU, आई वॉन्टेड द यूनिट टू बी इन ग्राम, सो आई मल्टीप्लाइड बाय द कन्वर्जन फैक्टर। इसको एक बड़े घिनौने तरीके से भी किया जा सकता था, क्या एक मॉलिक्यूल दे रखा है, एक मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी मोल मॉलिक्यूल्स कितने, अगर हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है व्हाट आर द मोल मॉलिक्यूल्स दैट विल हैव, 1/N। हाँ या ना? हम कहेंगे 1/N आर द मोल मॉलिक्यूल्स, नाउ लेट अस मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास टू गेट द मास ऑफ O2 इन ग्राम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस तरीके से किया? गड़बड़ कुछ नहीं है क्योंकि 1/N इज दिस थिंग, बट दिस इज काइंड ऑफ, अच्छा तरीका नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मतलब और तुमने इसे किया है, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, द वैल्यू विल कम आउट सेम, बट स्टिल दिस इज नॉट नाइस। ठीक है ना बच्चों, यहां पर तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय NA से मोल मॉलिक्यूल आए, मोल मॉलिक्यूल से तुम्हारा मास इन ग्राम्स पे जाने के लिए यू मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज समझ में आई या नहीं आई गाइस? दिस इज सेम एज अबव। अरे हाँ तो बोलो बच्चों। यस सर। ओके, नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा, 14 × 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, क्योंकि उसने वन एटम ऑफ नाइट्रोजन की बात करी है, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की बात नहीं करी, वन एटम का मास इज 14 AMU। ओके गाइस, बच्चों क्लियर है या नहीं, बोलो भाई। यस सर। ओके, यहां पे अगर तुम करते तो इसे कैसे करते, 1/NA × 14, दैट इज व्हाट यू वुड हैव डन, फाइन। अब आते हैं 10⁻¹⁰ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट खराब है, स्टेटमेंट ही खराब है गाइस, इसका मतलब समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है, 10⁻¹⁰ g into molecular weight of oxygen गाइस, समझे, विच विल बी 32 इतने ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट इज व्हाट दे मीन बाय 10⁻¹⁰ g मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। हाँ या ना? इतना ग्राम्स एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग द टू टू गेट द टोटल मास बच्चों। क्लियर गाइस? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 10⁻¹⁰, दिस इज द मास गाइस। सेकंड में कितना, सॉरी फोर्थ में कितना होगा, इट विल बी 10⁻¹⁰
into atomic mass of copper, which is 63.5 इतने ग्राम. 10 raised to the power minus 10 के ले रहे हैं. क्योंकि उसने दे रखा है क्वेश्चन में. देखो 1 into 10 is to the power minus 10 ग्राम molecular weight of oxygen. Basically इतना ग्राम into molecular weight of oxygen, which is 32. अब समझ गए बेटा? Yes sir. Good. So इससे आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम कर सकते हो गाइस. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. यू जस्ट हैव टू कंपेयर किसका मास ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट. बोलो गाइस, डाउट है तो बोलो, जस्ट आस्क, नो प्रॉब्लम. किसी को डाउट है? अरे बाद में मत कहना गाइस, जब मैं फिफ्थ पे चला जाऊं. फैक्ट टू लर्न ऐसे ही पूछा जाए तो. मतलब फैक्ट टू लर्न का मतलब क्या है? ये चीज तुम ऑटोमेटिकली कंक्लूड कर सकते हो फ्रॉम व्हाट आई हैव टॉट इन क्लास. व्हेन आई एम सेइंग फैक्ट टू लर्न, दैट इज व्हाट आई मीन, कि ये चीज तुम्हें पढ़ाई गई है. अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट लर्न इट एज अ फैक्ट. ठीक है ना गाइस? क्योंकि दैट इज समथिंग दैट हैज बीन टॉट इन क्लास एंड इट इज थ्योरेटिकल, इट इज अ फैक्ट. ठीक है ना बच्चों? जो मोलर मास होता है वो क्या होता है गाइस, कोई बताएगा मुझे? अभी मैंने बताया था, इट इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स. है ना बेटा? मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों. गाइस उसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. अरे क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक ए भी गलत है क्योंकि 6.022 होता है यूजुअली. मैंने तुम्हें ये बताया था, नहीं बताया था कि 6.022 की जगह कई बार 6.023 भी ले लेते हैं और रेयर सर्कमस्टेंस में 6 भी ले लेते हैं. दोनों की अलग अलग क्लास दी थी, हो सकता है एक में बताया और एक में ना बताया. नो बिग डील, 6.022 एंड 6.023 बोथ आर वैलिड. वो डिपेंड कर रहा होता है तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स किस फॉर्म में दे रखे है. अगर किसी ने तुम्हें 12.044 दे रखे है तो वैल्यू उठा लो 6.022. अगर 12.046 दे रखे हैं तो वैल्यू उठा लो 6.023. समझ गए बेटा? Yes. Right. Anyway, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं गाइस. 5 में उसने कह रखा है 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. अब 1 ग्राम O2 दे रखा है गाइस, क्या तुम मोल से एटम पे जाओगे या डायरेक्टली मेथड 1 यूज करोगे, मुझे बताओ. आई मीन विल यू डू 1/32 into 2 into Na या will you simply do 1/16 into Na guys? बच्चों बताओ कौन सा बेटर लग रहा है तुम्हें? 1/16 into Na. Good. और guys हम एक काम करेंगे, we will not even multiply by Na क्योंकि हमें पता है जिसके मोल एटम ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा. हाँ या ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Why will we multiply by Na? We'll just compare the values. यह हमारे आ गए मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. फिर हम कर सकते हैं 1/atomic mass ऑफ निकल इज मोल एटम्स ऑफ निकल, 1/atomic mass ऑफ बोरॉन एंड 1/atomic mass ऑफ नाइट्रोजन विच इज 14. क्लियर और नॉट गाइस, बताओ मुझे. मतलब रेदर एंड डूइंग 1/28 इंटू 2 इट इज बेटर यू सिंपली डू 1/14 ग्राम बाय एटॉमिक मास कर दो अगर तुम्हें मोल एटम्स निकालने. फाइन गाइस बच्चों? यस सर. क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट? यूनिट्स की दिक्कत आती है गाइस. केजी है उसे ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एनए विल गिव यू द आंसर. फिर से बोलूं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एनए विल गिव यू द आंसर. हाँ या ना? अरे अगर डाउट है तो बोल दो गाइस, ये ना करना के बाद में कहोगे नहीं समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने सेकंड क्लास में देखा था. ये उसने वॉल्यूम दे रखी है लिक्विड की. हम कहेंगे वॉल्यूम से हमारा कुछ ना होना जाना, हमें तो मास चाहिए. मास के लिए उसने दे दिया डेंसिटी. अब अगर तुम क्वेश्चन गलत करते हो तो सिर्फ एक ही मिस्टेक का स्कोप है, वो है तुम्हारा यूनिट. जब उसने डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml में दे रखी है तो वॉल्यूम किस में लोगे गाइस? तो ml में. हाँ या ना गाइस? यस सर. तो इट विल बी 1.59 इनटू 12
into 1000, ये आ गया हमारा क्या मास, मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। ठीक है बच्चों, इंटू एन ए विल गिव अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4 जो कि उस बंदे ने पूछा है। क्लियर गाइस? यस सर। एट पे आते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वन लीटर, नहीं सॉरी एक क्वेश्चन में स्किप कर गया, एक एटम का मास ग्राम में दे रखा है, उसने नंबर ऑफ मोल्स पूछे इन 20 के। बच्चों क्वेश्चन को समझो गाइस, हमें मोल निकालने के लिए व्हाट इज द मिसिंग टर्म ओवर हियर, कोई बताएगा मुझे मिसिंग चीज क्या है मोल निकालने, मास दे रखा है द मिसिंग चीज इज एटॉमिक मास, हाँ या ना, ग्राम बाय एटॉमिक मास गिव अस मोल्स, करेक्ट? उसने ग्राम तो दे रखे है ना बेटा, हमें जो मिसिंग चीज है वो क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हम कहेंगे एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम्स, हाँ या ना, दैट इज एटॉमिक मास, जिसे हम एक्चुअली किसी जमाने में नाइन्थ में ग्राम एटॉमिक मास की टर्म्स में पढ़ते थे, ग्राम एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास इन ग्राम्स। क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो मिसिंग चीज है वो हमारी एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स इन ग्राम्स, हमें एक एटम का मास दे रखा है, अगर हम एन एटम्स का मास निकाल लें, डोंट यू थिंक इट विल बी योर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स? बोलो गाइस। यस, इट विल बी 6.643 इनटू 10 एसी पावर माइनस 23 इनटू एन, दिस विल गिव अस द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि एक एटम का मास इनटू वन मोल एटम्स विल गिव अस द एटॉमिक मास गाइस। ठीक है ना, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स वन मोल एटम्स विल गिव अस द एटॉमिक मास। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, 20 इनटू 10 टू पावर 3 बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स विल गिव अस द आंसर। बच्चों उसने मोल्स पूछे, मोल्स निकल जाएंगे नहीं निकल जाएंगे गाइस? कैन यू फाइंड आउट मोल्स, हाँ या ना? यस सर। नाइन पे चलते Guys, 9 में, do you realize what is the missing thing that we will have to assume in the question? कोई बताएगा मुझे? उसने वॉल्यूम दे रखी है यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, कैसे करोगे गाइस? यू नीड डेंसिटी, हाँ या ना? वॉल्यूम से तुम्हें मास पे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू मास, यू विल अज्यूम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम भी फिर तुम किस में लोगे, ml में, यू डिवाइडेड बाय द एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉटर इंटू एन ए विल गिव अस नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। वॉल्यूम ऑफ वॉटर इंटू डेंसिटी विल गिव अस मास, मास किस में निकलेगा बच्चों बताओ मुझे, ml ग्राम्स में, वॉल्यूम ml, डेंसिटी ग्राम पर ml, मास विल कम आउट इन ग्राम्स, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास विल गिव अस मोल्स, मोल्स इंटू एन ए विल गिव अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे गाइस। यस सर। यस सर, एक बार वापस बता बेटा, हमें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पता है, मास देता है। यस सर। हमें डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, विल अज्यूम इट टू बी 1 ग्राम पर एमएल। ठीक है बेटा। यस सर। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अब हमें किसमें लेनी पड़ेगी बेटा, एमएल। उसने दे रखा है 1 लीटर वाटर, तो एमएल में वो कितना होगा, 10^3000। Now this will give us the volume, this will give us the mass in grams, हाँ है ना? तो ये आपने multiply क्यों करा 1000 से? बेटा density into volume will give us grams, mass. Okay, okay sir. तो ये हमें दे रहा है mass of water बेटा, mass of water divided by molecular mass of water will give us moles of water, moles into ne will give us number of molecules of water, हाँ है ना? समझ गए बेटा? बोलो। Yes, sir. Okay. Let us go on to question number 10. बच्चों 10 में कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। वो H2SO4 से नंबर ऑफ एटम्स पे जाना चाह रहा है, मुझे बताओ एक H2SO4 में कितने एटम होते हैं, बताओ मुझे, बोलो गाइस। 7, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। अब अगर एक H2SO4 में 7 एटम्स होते हैं टोटल, तो तुम्हारा
वन मोल में कितने होंगे? सेवन मोल एटम्स, हाँ या ना? यस सर। उसने सेवन मोल नहीं, सेवन नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो सेवन एन ए एटम्स, हाँ या ना? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? गैस बोलो, कोई डाउट नहीं, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। 11 में उसने कह रखा है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या होगा, वो भी उस बंदे ने ग्राम में पूछा है। हम कहेंगे भाई ग्राम में पूछा है एक एटम का मास, हम कहते हैं पहली चीज एक हाइड्रोजन एटम का मास इज 1 AMU, राइट? 1 AMU अगर उसे ग्राम में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? 1 AMU, AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, क्लियर और नॉट गाइस? Yes, sir. या फिर तुम वही मेहनत करते, क्या एक एटम है तो यू डिवाइड बाय एन ए, ये आ गए मोल एटम्स इनटू एटॉमिक मास, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? दैट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई? एक एटम से हम मोल एटम्स पे आए, मोल एटम्स को हमने एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया टू गेट द मास इन ग्राम्स, फील सही या नहीं? गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। 12 में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? गाइस इसमें तुम्हारा बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, मेथड वन या मेथड टू? डेफिनेटली मेथड वन यार, जब उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मोल एटम्स निकाल लेते, मोल एटम्स जिसके ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा। मोल एटम के लिए व्हाट डू यू यूज? यूज द फॉर्मूला ग्राम बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तीनों में सेम, हाँ या ना? अगर मॉलिक्यूल से एटम पे जाते तो मेहनत बढ़ती, पहले वाले में आता 1/16 मोल एटम्स, दूसरे में आता तुम्हारा कितना 1/32 × 2, तीसरे वाले में तुम्हारा आता 1/48 × 3, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस इसमें कितने बच्चों को डाउट है? ये हम जा रहे हैं मॉलिक्यूल से एटम पे, कन्वीनियंट क्या रहता, हर एक में ग्राम बाय एटॉमिक मास दे मारते आंसर आ जाता तुम्हारा। अरे समझे या नहीं समझे गाइस? यस, क्लियर है हर एक बच्चे को? आंसर डी है ना? डी, ऑब्वियसली डी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है गाइस? कुछ नहीं करना था, रिलेट करके देखना था, एक CO2 में एक कार्बन होता है, हाँ है ना? तो 1 mole CO2 में 1 mole carbon होगा, यू मल्टीप्लाई एन ए तो यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, बाकियों को ऑप्शंस को देखोगे यू रियलाइज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। फाइन गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इट्स डन, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेट मी जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन, दैट एक्सप्रेशन आई थिंक विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाँ या ना गाइस बोलो, क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू एन ए, वन मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास इन ग्राम्स, यहां तक कोई डाउट गाइस? बोलो भाई, कुछ बोल नहीं सर, एक सेकंड रुक जाओ। ओके ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। 4 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है गाइस? 4 मोल, हाँ है ना? 4 मोल एटम्स, यस सर। तो उसमें अमाउंट ऑफ एजी, अमाउंट का मतलब ग्राम्स, हम कहेंगे भाई 4 इज इक्वल टू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ऑफ एजी, यहां से ग्राम्स आ जाएंगे। अब वो पूछ रहा है, ये तो निकल जाएगा गाइस, हाँ है ना? 4 ग्राम एटम का मतलब 4 मास तो पता ही नहीं है, हाँ तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा, इट इज 108, उसने दे रखा है वैसे क्वेश्चन में, आई जस्ट सॉ इट क्वेश्चन में दे रखा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना गाइस कि कुछ चीजें तुम्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द चैप्टर अपने आप वैल्यूज याद हो जाएगी, अभी याद नहीं हो रही फिर आएगा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में, किसी अलग फॉर्मेट में आ सकता है, तो ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाती है, डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू लर्न देम अलग से, दे विल बी मतलब वो अपने आप ही याद हो जाना, यू डोंट हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू दीज थिंग्स, ओके। अब आते हैं एक एटम ऑफ एजी का मास क्या होगा इन ग्राम्स, हम कहेंगे भाई 108 AMU होगा इनटू 1.67 × 10⁻²⁴,
दिस इज द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। हाँ या ना गाइस बोलो। यस फाइन आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16। वन सेकेंड 16 ठीक है ना बच्चों। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन वन। एक सेकंड लास्ट वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कौन सा वाला बेटा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एजी क्या होता है? 108 एएमयू। एएमयू को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। या फिर तुम वही मेहनत करते क्या? तुम कहते वन एक एटम का पूछा है तो वन बाय एन ए इतने मोल एटम्स और नाउ यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ एजी विच इज 108। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। कोई डाउट अब? नो सर। 16 पे आते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब मोल एटम कितने होंगे एक एटम में? कम ऑन गाइस 1 बाय एन ए। हाँ या ना? यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बच्चों। ये शीट वाज वेरी इजी। नंबर ऑफ एटम पूछा गाइस। नाइट्रोजन की बात कर रहा ना, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट N2, ही मस्ट नॉट बी टॉकिंग अबाउट N। क्लियर गाइस? तो 0.5 मोल क्या है N2, तो N कितना होना चाहिए गाइस? N के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 0.5/2 × 2 बेटा। एक N2 में दो N होते हैं, ये मोल N2 के दे रखे हैं, तो N के कितने होंगे? इसके डबल। कैसे बोल दिया? हाँ, into N ने, obviously। 16 का मतलब क्या है? How many gram atoms are there in one atom? कहाँ पे कौन सा बेटा? सही पूछा जाए, बहुत ही घिनौना क्वेश्चन था, लैंग्वेज बहुत खराब थी, ऐसे क्वेश्चंस आने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये वो पूछना चाह रहा था कितने मोल एटम्स होंगे एक एटम में। तो फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स विच इज 1 बाय एवोगैड्रो नंबर विल गिव अस मोल एटम्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एटम अगर है तो हमारे पास कितने मोल एटम्स है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड। क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 0.5 मोल ऑफ N2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हम कहेंगे 0.5 मोल N2 है, उसमें N के मोल कितने होंगे? × 2। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? × N। हाँ या ना? अब आते हैं हाइड्रोजन पे। 0.2 मोल मॉलिक्यूल, वहां पे फर्स्ट वाले में मोल मॉलिक्यूल बोला नहीं था, बट इट इज अंडरस्टूड मोल मॉलिक्यूल। अगर एटम की बात करनी होती, ही वुड हैव स्पेसिफाइड अलग से एटम्स। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब 0.2 मोल मॉलिक्यूल है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं × 2 करो, क्योंकि एक H2 में दो H होते हैं। इतने मोल एटम्स आ गए, हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए × N ने कर दिया। यहां तक कोई डाउट गाइस? अब आते हैं थर्ड पे। 32 ग्राम ऑफ सल्फर यू जस्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज 32। ये मोल एटम्स आ गए × N नंबर ऑफ एटम्स आ गए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। यस सर, समझ आ गया। ओके फाइन, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकंड जो हमने क्लास दी थी उसमें ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। मैं सीधे पे आता, लेट मी राइट डाउन द स्ट्रेट एक्सप्रेशन जिससे तुम समझ पाओ गाइस। ये हमें क्या दे रहा है कोई बताएगा मुझे? दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ HCPO4। हाँ है ना? और हमें पता है एक HCPO4 में चार ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो इतने मोल HCPO4 में × 4 इतने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ये तो हमें पूछा गया है। बोलो गाइस, कोई डाउट है? किसी बच्चे ने कुछ बोला था? हाँ या ना? बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। बोलो गाइस। यस सर। ओके नेक्स्ट, ग्राम एटम एंड वेट हैविंग इतने एटम। गाइस ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, मैं सीधा करता हूं इसे 2 × 10^23। अब गाइस यहां पे Na की वैल्यू क्या लोगे कोई बताएगा मुझे? यू विल टेक वैल्यू 6 × 10^23 ना कि 6.023। 6 उठा दो, आसानी से कटेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल बी द ग्राम एटम। हाँ या ना? मोल एटम निकाल लेना, दिस विल बी द ग्राम एटम and it can also be equated to grams by atomic mass which is given to us as 32।
क्लियर और नॉट गाइस, बोलो भाई हाँ या ना, कैसी फील आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो गाइस, डिफिकल्ट तो ना है सर। हाँ बेटा, ग्राम एटम और मोल एटम में क्या डिफरेंस था? कोई फर्क नहीं है, दे आर सेम। ग्राम एटम इज नथिंग बट मोल एटम। ओके सर। वन एटम का मास इतना है तो एटॉमिक मास कितना होगा भाई? एक काम करो, एन ए से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ या ना बच्चों? इट इज अ मास ऑफ वन मोल एटम्स, करेक्ट? 22। यस सर। दिस विल बी द एटॉमिक मास इन ग्राम्स। हो गया नहीं हो गया गाइस, बोलो भाई। यस सर। सर गुड, नेक्स्ट शीट पे चलें, चलते हैं। यस।